हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी के अल्टरनेट मेड इन इंडिया गेम फौजी के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे व्हाट इज फौजी गेम, व्हेन दिस गेम विल रिलीज, व्हाट वुड बी इट्स सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। मेरे 8 ईयर्स के टेक ब्रांड वर्किंग एक्सपीरियंस के माध्यम से मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियोज लाता रहूँ। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी सही जानकारी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मयंक एंड यू आर वाचिंग टेक्नोरेजन टीवी। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पबजी बैन के 2 दिन बाद ही एनकोर गेम्स ने पबजी के इंडियन वर्जन फौजी की घोषणा कर दी है, जहां एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 118 चाइनीज एप्स को बैन किया जिसमें पबजी भी शामिल है, वहीं दूसरी ओर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने एनकोर गेम के साथ मिलकर इस गेम को जल्दी रिलीज करने की घोषणा सोशल मीडिया पर पोस्ट की। पॉइंट 1, व्हाट इज फौजी गेम। फौजी एक मल्टीप्लेयर एक्शन गेम है जिसे बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने बैंगलोर बेस्ड गेम डेवलपिंग कंपनी एनकोर के साथ कोलेब्रेशन कर इसके जल्दी लॉन्च होने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नए विजन आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए भी की गई है। साथ ही साथ इस गेम के कुल रेवेन्यू का 20% भारत के वीर ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। यह वह ट्रस्ट है जो इंडियन आर्म फोर्सेस में शहीद लोगों के परिवार वालों को सहयोग प्रदान करता है। पॉइंट 2, व्हेन दिस गेम विल रिलीज। एक्सपेक्टेड है कि यह गेम अक्टूबर मंथ के एंड तक रिलीज हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू द डेवलपर्स इस गेम को साल भर में करीब 2 मिलियन यूजर्स मिलने की उम्मीद है। पॉइंट 3, व्हाट वुड बी इट्स हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। फौजी गेम को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। इस गेम को रिलीज होने में अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी खबरें वायरल हो रही हैं और कुछ लीक्ड इन्फॉर्मेशन की माने तो इस गेम का साइज 500 MB से 2 GB के करीब होगा और इसका गेमिंग एक्सपीरियंस एवं अन्य फीचर्स पबजी के सिमिलर होने की उम्मीद है। इस गेम के डेवलपमेंट का काम मई जून में शुरू हो गया था और डेवलपर्स के अनुसार इस गेम का फर्स्ट स्टेज लद्दाख के नज़दीक हुए गलवान वैली हादसे पर आधारित है। उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के विजन आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित और अक्षय कुमार एवं एनकोर गेम्स द्वारा देशहित में तैयार किए गए शानदार गेम को यूजर्स का बेहतरीन रिस्पांस मिलेगा।